नहीं, अटल के साथ बिहारी भी हूँ। भाइयों, बाबरी विध्वंस हो चुका था, कई सारे आरोप आडवाणी जी पर लगे थे, बवाल पहुंचा था संसद के अंदर तक, और देखिए कैसे डिफेंड किया था आडवाणी जी को अटल जी ने। मुझे कहा गया है कि मैं अपने कुछ साथियों को मंत्रिपरिषद से अलग कर दूं, मुझे भी इस बात के लिए आलोचना का विषय बनाया गया है कि मैं उन मंत्रियों का बचाव कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, ये मामला पहली बार नहीं उठा है, ये सिलसिला कई बरसों से चल रहा है। मुझे याद है पिछले साल भी इस मामले पर चर्चा हुई थी, इसे चुनौती नहीं दी गई है, दी भी नहीं जा सकती, लेकिन सवाल उठाया जा रहा है नैतिकता का, औचित्य क्या है, और उन्होंने इस्तीफे दिए, हरीन पाठक का नाम लिया गया है। हरीन पाठक हमारे कुछ कांग्रेसी मित्रों को इतना पसंद हैं, ये तो शायद उन्हें भी नहीं मालूम था। कल तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही थी, बड़ी खुशी की बात है। अगर हरीन पाठक मेरे बाद प्रधानमंत्री बने, मुझे प्रसन्नता होगी, लेकिन तब तो हमारे कांग्रेस के मित्रों का क्या होगा। लेकिन हरीन पाठक का त्याग पत्र अलग अलग परिस्थितियों में हुआ है, उनकी अपनी इच्छा से हुआ है, वो त्याग पत्र के लिए विवश नहीं किए जा सकते थे। उन्होंने जब त्याग पत्र की बात आकर कही तो उन्हें सलाह दी गई कि आप थोड़ा रुकिए, देखते हैं कि अदालत में किस तरह से मामला जाता है, लेकिन वो त्याग पत्र पर अड़े हुए थे, इसलिए त्याग पत्र स्वीकार कर लिया गया। उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। लेकिन जिन तीन मंत्रियों के मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की जा रही है, उनके त्याग पत्र लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो अगर त्याग पत्र देंगे तो भी मैं त्याग पत्र वापस कर दूंगा, ये बात समझने की जरूरत है। ये साधारण अपराध नहीं है, ये भी समझने की बात है कि वो मेरे सहयोगी हैं, मैं उन्हें जानता हूं, उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें दायित्व सौंपा गया है जिसका वो अच्छी तरह से निर्वाह कर रहे हैं। मामला अदालत में है, फैसले तक रुकना चाहिए। अब मुझे व्यक्तिगत रूप से जो मालूम है, और आप कहेंगे कि मैं फिर अदालत को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा हूं, मैं नहीं करना चाहता, करता भी नहीं हूं, और मुझे विश्वास है अदालत प्रभावित होगी भी नहीं, भले ही अच्छे से अच्छे वकील जाएं, कोई कोशिश नहीं किया। लेकिन आइए इस सवाल पर हम मिलकर बैठें, आपस में चर्चा करें, एक रास्ता निकालें, आम सहमति का विकास करें। दोस्तों आइए देखते हैं अटल जी ने आडवाणी जी के लिए क्या कुछ कहा था, कैसे निभाई थी अपनी दोस्ती। अडवाणी जी को पद से मोह नहीं है, आखिर जब आरोप लगे गड़बड़ घोटाले के, आर्थिक गड़बड़ घोटाले के, अडवाणी सदस्य थे, इस्तीफा दे दिया, मैं जब तक निर्दोष साबित नहीं हो जाऊंगा, निष्कलंक प्रमाणित नहीं हो जाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा।
और वो नहीं आए और चुनाव लड़कर आए। जनता किसके साथ है? हमारे वोट गिनाए जा रहे हैं, हम यहां बहुमत में बैठे हैं, मित्र दल हमारा साथ दे रहे हैं इस मामले में, और हम भी जो नेशनल एजेंडा है उससे बंधे हुए हैं। जानबूझकर सोच समझकर हमने विवादग्रस्त प्रश्नों को छोड़ा है, कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन देश की परिस्थिति, राजनीति जिस तरह से करवट ले रही है, उसमें आवश्यकता है कि मिलजुल कर काम किया जाए। कुछ लोग अटल जी को पलटने वाला बता रहे थे, अपनी बात से जो पलट जाते हैं, पार्टी चेंज कर देते हैं, बात चेंज कर देते हैं। देखिए अटल जी ने क्या शानदार जवाब दिया था उस बात का। मैंने पार्टियां नहीं बदली हैं रिटी साहब, इसलिए मुखौटा बदलने का सवाल ही नहीं है। 40 साल से मैं इस पार्लियामेंट में हूं, मैंने दल नहीं बदले। और निर्भीक होकर बातें कही हैं, और संकट के समय जो भी सरकार थी उसके साथ खड़ा रहा हूं, मगर आज तो कोई राष्ट्रीय संकट का विचार करने के लिए तैयार नहीं है। अभी मैंने कहा कुछ मामलों पर आम सहमति होनी चाहिए, बिना सहमति के तो नहीं चल सकता। अब राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है, हमें और दलों के सहयोग की आवश्यकता है, काम ठप कर सकते हैं, लेकिन देश का काम ठप करना कोई देश के कल्याण की बात थोड़ी है। मैं उस पृष्ठभूमि को स्पष्ट करना चाहूंगा जिसके अंतर्गत मुझे कुछ शब्द कहने पड़े। सदन बंद है, कार्यवाही ठप है, क्या इसलिए ठप है कि प्रधानमंत्री विरोधी दल के नेताओं से नहीं मिल रहे हैं? प्रधानमंत्री काहे वैसे विवृति दिया है तो और मंत्रियों से नो प्लीज अध्यक्ष महोदय आप गवाह हैं, कभी मुझे मेरी याद की गई हो मैं आपके सामने उपस्थित न हुआ हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन जब मैं तीन दिन नहीं बोला, संसद बंद रही, ठप रही, क्यों? मेरा वक्तव्य तो जिसको लेकर चर्चा हो रही है, मेरी तीव्र आलोचना हो रही है, वो तो बाद में आया है और वो वक्तव्य नहीं। मुलायम सिंह जी प्लीज बाद में बोलना, नहीं ये ठीक नहीं है। लीडर ऑफ द हाउस इज स्पीकिंग, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस कन्फ्रंटेशन प्लीज। मैंने मेरी समझ में नहीं आया कि ये बंद करने का कारण क्या है। मंत्रियों को निकाल दीजिए, क्यों? आपकी मर्जी है, इसलिए आप समझते हैं कि फूट डाली जा सकती है? मैं बोलना नहीं चाहता था इस मामले में। हम अब कहा जा रहा है कि दबाव था, चंद्रशेखर जी भी दबाव के प्रभाव में आ गए हैं। मेरा मतलब है शब्द के प्रभाव में, कि मैंने किसी दबाव में ऐसा कहा है। अध्यक्ष महोदय जो मुझे जानते हैं, मेरी प्रकृति से परिचित हैं, वो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं, अटल के साथ बिहारी भी हूँ। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें।